शराब तो हर जगह मिल ही रहा है अभी। आज शराब की बोतल चली है, कल कुछ और भी जा सकता है वहाँ पे, जब सिक्योरिटी टाइट नहीं है तो। किसी आम जनता के पास ये शराब की बोतल मिलती है तो उनके साथ बहुत ही कठोर तरीके से नीतीश सरकार काम करता है और उनके घर को सील कर देता है, उनको जेल में डाल देता है और काफ़ी परेशानी भी होता है। तो हम लोग इस मुद्दे पे तेजस्वी यादव जी के साथ में ही हैं। ऐसा थोड़ी है कि विधानसभा सील हो जाए, लेकिन अब नीतीश जी का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, गांव-गांव में भी मिलता है तो मुखिया पे केस कर दो, मुखिया के बंद करा दो, पूरा सील करा दो, लेकिन अब उनके ऊपर आया है, उनके खुद ऑफिस में मिला है बाहर में, तब वो खुद न्याय करेंगे। नीतीश जी खुदे बोलते हैं। बिहार विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतल मिली है। विपक्ष ने कहा है कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि जहां शराब की बोतल मिलती है उसे सील कर दिया जाता है। सर मेरा पक्ष तो यही है, इस्तीफा तो नहीं, क्योंकि वो सरकार चला रहे हैं। अगर वो इस्तीफा देंगे तो सरकार कौन चलाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव जी जो उन्होंने कहा है कि विधानसभा को सील किया जाए, कहीं ना कहीं ये सही है, क्योंकि जब किसी आम जनता के पास ये शराब की बोतल मिलती है तो उनके साथ बहुत ही कठोर तरीके से नीतीश सरकार काम करता है और उनके घर को सील कर देता है, उनको जेल में डाल देता है और काफ़ी परेशानी भी होता है। तो हम लोग इस मुद्दे पे तेजस्वी यादव जी के साथ में ही हैं। कल विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतल मिली है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि जहां शराब की बोतल मिलती है उस प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाता है। आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो कहना सही है, विधानसभा में मिला भी, कल हम आज भी मैंने कल न्यूज़पेपर में पढ़े भी थे, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि विधानसभा सील हो जाए। लेकिन अब नीतीश जी का जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, गांव-गांव में भी मिलता है तो मुखिया पे केस कर दो, मुखिया के बंद करा दो, पूरा सील करा दो, लेकिन अब उनके ऊपर आया है, उनके खुद ऑफिस में मिला है बाहर में, तब वो खुद न्याय करेंगे। नीतीश जी खुदे बोलते हैं बिहार में। अब तो उनको प्रॉपर में ध्यान देना चाहिए कि आखिर जब उन्हीं के ऑफिस में ये चीज़ मिल रहा है तो बाकी बिहार में स्थिति क्या रहेगी। कल बिहार विधानसभा में शराब की खाली बोतल मिली थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा था कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि अमूमन होता है कि जहां शराब की बोतलें मिलती हैं उससे सील कर दिया जाता है। हाँ, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इसमें क्या है कि जो प्रशासन है ऑलरेडी नीतीश जी जो है मुख्यमंत्री, उनका शराबबंदी तो कर दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जितने भी ऑफिसर्स हैं, प्रशासन के जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो लोग उससे मिली भगत है। जो भी ग्राउंड लेवल पे जो शराब तस्कर है उनके साथ साठ गांठ है, उन्हीं के थ्रू ही ये बिक रहा है। जब तक प्रशासन टाइट नहीं होगा तब तक ये नहीं बंद हो सकता। कितना चिंता का विषय है विधान परिषद में मिलना, ये तो सर उनको भी सोचना चाहिए। जहाँ पे वो खुद बैठते हैं वहाँ पे मिल रहा है तो कितना प्रशासन उनका टाइट है वो उनको खुद समझना चाहिए। शराब की खाली बोतल मिली है, उसके बाद तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग लिया है, कैसे आप इसे देखते हैं? क्योंकि अमूमन देखा गया जहां शराब की बोतल मिलती है उसे सील कर दिया जाता है। शराब तो हर जगह मिल ही रहा है अभी। तो क्या आप एक आम नागरिक के नाते विधानसभा परिसर में शराब की बोतल मिलती है, कैसे देखते हैं आप इसे? अब सर वहाँ पे बहुत सारे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी की कमी है। अगर बढ़िया से वहाँ पे लोग आते जाते हैं, अगर उनको बढ़िया से चेक किया जाए तो फिर तो आज शराब की बोतल चली है, कल कुछ और भी जा सकता है वहाँ पे, जब सिक्योरिटी टाइट नहीं है तो। और क्या कह सकते हैं? विधानसभा में कल शराब की बोतल मिली है, जिसके बाद से तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है क्योंकि शराब मिलने के बाद विपक्ष का तेवर काफ़ी तल्ख हो गया है। आप कैसे देखते हैं? अब देखिए, शराब का जो भी बोतल वगैरह मिला है खाली, तो तेजस्वी यादव का तो खैर अपील सही है कि सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए, लेकिन अब बात है कि ये विपक्ष जो इल्ज़ाम लगा रही है, तो अब पक्ष वाले कह रहे हैं कि ये बोतल वगैरह जो है ये विपक्षी पार्टियों का ही किया कराया है, क्योंकि कुछ भी अगर अच्छा हो या बुरा हो तो उसका इल्ज़ाम विपक्षियों पर लाद दिया जाता है। तो बाकी हम लोग तो आम पब्लिक हैं, तो हमें तो ज़्यादा जानकारी है नहीं कि क्या है क्या नहीं है इस पे। हाँ, जांच तो होनी चाहिए और अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए, एकदम 100% निष्पक्षता के साथ। कहीं पे अच्छे मतलब SID टीम वगैरह का गठन करना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी कानून को लाया है तो इसको कड़े और अच्छे तरीके से इसको अनुपालन होना चाहिए, इसमें किसी तरीके की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। नियम ये भी है कि सील कर दिया जाता है जहां शराब की बोतलें मिलती हैं, तो कैसे? अब सीलिंग का तो है कि वो गवर्नमेंट के ऊपर है ना, कि क्या उनके पास सर्कुलर है कि विधानसभा में मिलता है। तो देखिए, अब आम कर्मचारी का सैलरी बढ़ाने में जद्दोजहद करना पड़ता है महीनों महीनों, और उन लोग का छुपे छुपे बढ़ जाता है, समझ गए?